नेक्स्ट, फर्स्ट पेज भरते हुए जो आपके आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल वाइल रीडिंग एंड वाइल फिलिंग इट। अगर आपको 1% भी डाउट है, ओनली टॉक टू द इनविजिलेटर, डू नॉट टॉक टॉक और आस्क टू योर नेबरहुड। ठीक है, आपके साथ वाला बच्चा शायद आपसे भी नालायक हो, ठीक है, और उसने अपना तो गलत किया ही किया, पता लगा पूरी रो का गलत करवा दिया। ठीक है, सिर्फ 1% से आपने पूछना है जी, दैट इज द इनविजिलेटर, सर और मैम यहाँ पे क्या बनना है। ठीक है, अगर उसमें आपको फ्रंट पेज पे इस तरह का एक कॉलम दिखता है जिसमें वो कहते हैं कि जी प्लीज टिक लगाइए कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो वो आपको टिक जरूर लगाने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स में से आपने सी नहीं किया, यहां पे टिक नहीं लगानी, ऊपर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे लिखा जी टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर, यहां पे तो आपका स्कोर लिखा जाएगा कि ए पार्ट जो कि 5 नंबर का था उसमें से 3 नंबर है कि 2 नंबर। अगर आप यहां पे टिक लगा दोगे तो वो स्कोर कहां पे लिखेगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कहां पे आपने टिक लगाना है या नहीं लगाना। देयर आर सम स्पेसिमेंस जो ऑनलाइन पड़े हुए हैं जिसके अंदर आपने कहीं पे भी टिक लगाना ही नहीं है, ऐसे स्पेसिमेंस भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला था टिक लगा के ही आना फिर हम टिक लगा के ही आएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इवन फॉर योर रोल नंबर्स, इवन फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको 1% भी डाउट है, ठीक है, कि सर ये मेरा जो रोल नंबर है वो तो 6 डिजिट का है, यहाँ पे 7 डिजिट है, ठीक है, तो आप पहले 6 में भरना है, आखिरी 6 में भरना है, कोई क्रॉस लगाना है, आगे 0 लगाना है, क्या करना है उनसे पूछो। स्लाइटेस्ट कन्फ्यूजन भी है तो आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर लिखा है कि कैंडिडेट ने टिक लगाने हैं तो टिक जरूर लगाएं जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बट ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर आर सम स्पेसिमेंस ऑफ द आंसर शीट ऑफ द आईसीएआई एंड द आईसीएसआई जिसके अंदर स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई टिक नहीं लगाने थे, सिर्फ एग्जामिनर ने ही भरना था। ठीक है, तो आप देख लीजिए टिक लगाने हैं या नहीं लगाने, और एग्जामिनर ने अगर भरना है तो प्लीज उसे खाली छोड़ के आइए, उस कॉलम को फिर खराब मत कीजिए। एक जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट एडवाइस रहती है टू ऑल द स्टूडेंट एंड दैट इज, आपके और आपकी डिग्री के बीच में सिर्फ आप एक ही पर्सन खड़े जी, दैट इज अ पेपर चेकर, और कोई नहीं। ठीक है, ना इंस्टीट्यूट, ना पेपर सेटर, ना इनविजिलेटर, ना सर, ना मैम, ना कोई। ठीक है, सिर्फ एक पर्सन, दैट इज अ पेपर चेकर, और पेपर चेकर को अगर आपने इनकन्वीनियंस दे दी तो वो अपनी इनकन्वीनियंस आपको विद रिटर्न, विद इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है, और उसकी इनकन्वीनियंस आपको पता ही है जी, दैट विल कॉस्ट यू 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसके बाद 6 महीने पे बात जाएगी, आपने उसे परेशान नहीं करना। ठीक है, आपकी जो शीट है वो बहुत सुलझी हुई और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपने अगर उसको कुछ एड ऑन नहीं करना तो एटलीस्ट उसे डिप्लीट नहीं करना, उसमें नेगेटिव नहीं करना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो कॉलम एग्जामिनर ने भरना था तो आप उसे टच नहीं करेंगे। ठीक है, यू कैनॉट अफोर्ड टू एनॉय हिम एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज अब वही आपका करता धरता।